ले तो लेते दान में, पर ले जा करके भगवान श्याम सुंदर के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। अब क्या बन गया? न्यौछावर। और परमात्मा के ऊपर की न्यौछावर को कौन नहीं चाहता? न्यौछावर श्री कृष्ण लला की, न्यौछावर श्री कृष्ण लला की, न्यौछावर श्री कृष्ण लला की, न्यौछावर श्री कृष्ण लला की। नहीं को लाजत, नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, तोरण तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। भागवत की कथा है, ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं, इसलिए आनंद लूट लो। पलटू सत्संगत मिली खेल ले वो दिन चार, अरे फिर नहीं दीपावली, अरे दीपक लीजे पार, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बाजे आंगने में। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, ऐसे ही एक महीने का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि सुख का समय
पता नहीं चलता, अय्याम मुसीबत के दिन काटे नहीं कटते। और महाराज इधर नंद बाबा को स्मरण आया, कि मैं तो इसी महीने कंस को वार्षिक टैक्स देता था, पर लगता है मैं लेट हो रहा हूं क्या। पर प्रेम में इतने निमग्न थे, प्रेम में इतने निमग्न थे, उन्होंने कहा नहीं अभी तो चलने दो उत्सव महाराज। दधि कांदो महोत्सव का आयोजन किया गया। असिंचन्तो लिप्यन्तो नवनीतैस जीहि चपुः। ग्वालों ने, गोपों ने जो आयोजन किया दधि कांदो महोत्सव, जिसमें ब्रजमंडल में गोकुल में दूध दही का कीचड़ हो गया। दधि क्षीर घृतां बुधि, दही दूध घी हल्दी और माखन के बड़े बड़े लोंदे महाराज तैयार कर दिया व्यवस्था। असिंचन तो उठा के बाल्टी डाल देते, पकड़ के उसी में डुबो देते। असिंचन तो लिप्यंतो, पकड़ के हल्दी माखन का लोंदा लेकर के लेप कर देते महाराज। नंद बाबा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुराम गता। गोकुल की रक्षा के लिए गोपों को नियुक्त करके मथुरा पहुंचते हैं। कंस क्रोध में था महाराज, सारे नंद आए पर ये नंद क्यों नहीं आया, नोटिस जारी कर दी थी, कारण बताओ। नंद बाबा ने जितना अनाज का टैक्स देते थे उससे दो गुना टैक्स लेकर के पहुंचे, तो महाराज दुनिया का कितना बड़ा क्रोधी आदमी हो या के आगे शांत हो जाता है। ये कलयुग में, ये जो है ना, ये कलयुग में प्रेम का थर्मामीटर है। जैसे बुखार नापने के लिए डॉक्टर के पास में थर्मामीटर होता है ना, वो जीभ के नीचे लगाओ या यहां दबा लो इतने डिग्री इतने डिग्री, ऐसे ही कलयुग में यदि प्रेम नापना हो तो ये प्रेम का थर्मामीटर है। मां बच्चे को कितना प्रेम करे परंतु 10 रुपया उसको खर्ची ना दे, पिता रोज उसको डांटता रहे फटकारता रहे परंतु बच्चा जब मांगे तो उसको फट दे दे दे, और जब उस बच्चे से कोई पूछता है बेटा तुझे तेरा पिता प्रेम करता है या माता प्रेम करती है, तो बच्चा सीधे कहता मेरे तो पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अरे देख तेरी मैया तेरे लिए सुबह से शाम तक लगी रहती है, तुझे छाती में चिपकाती है। बोले वो तो सब ठीक है पर मैया कभी कुछ देती नहीं है, है? बोलते हैं ना बच्चे। जैसे कंस ने देखा महाराज, कंस का क्रोध शांत हो गया। नंद बाबा ने अपने लेट होने का कारण बताया और कंस को जब पता चला कि लाला का जन्म हुआ है, कंस ने कहा कोई बात नहीं, हमारी तरफ से भी आशीर्वाद। वहां से नंद बाबा मथुरा जेल के अंदर जाते हैं, वसुदेव जी के साथ में मुलाकात होती है, आपस की चर्चाएं हो रही थी। उसी क्रम में वसुदेव जी का बायां अंग फड़कने लगा। पुरुषों का बायां अंग फड़कना ये अपशगुन का द्योतक है, संकेत है प्रकृति के, कोई माने या ना माने। बिल्ली रास्ता काटती है वो आपको संकेत कर रही है, बिल्ली का दोष नहीं है। कुछ लोग बिल्ली के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देते हैं, वो बिल्ली आपको सचेत कर रही है, 2 मिनट 1 सेकंड रुक जा। ये सगुण शास्त्र है, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, पर आज समाज में नाना प्रकार की भ्रांति फैलाई जा रही है।
वेद के मंत्रों का उल्टा सीधा अर्थ करते हैं लोग, किस लिए? केवल अपनी पद प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए। क्यों ऐसा करते हैं? घोर अंधेरे में तुम पाप छुपा लोगे, खुदा पूछेगा तो क्या जवाब दो। सोचो, समाज को बांटने का क्यों ऐसा काम कर रहे हो? घर बांट लिया चलेगा, परिवार बांट लिया चलेगा, संपत्ति बांट ली चलेगा, पर कम से कम समाज को दोनों बांटो। समाज को एक साथ बैठने दो, एक साथ हंसने दो, एक साथ बोलने दो, पर नहीं, हम अपने चंद स्वार्थ के लिए ऐसा पॉइजन घोल देते हैं, वेद के मंत्रों का अनर्थ करते हैं व्यर्थ में। कोई कहता है ये तो माथा है, माथा ब्राह्मण है, बात तो ठीक है, हाथ छत्री है, पेट ही वैश्य है, पैर ही शूद्र है, पर ये बताओ इन अंगों में से कोई छोटा बड़ा है क्या? यदि हाथ ही नहीं होंगे तो मुख क्या करेगा, मुख ही नहीं होगा तो पेट क्या करेगा, पैर ही नहीं होंगे तो हाथ मुख पेट क्या करेंगे? अपनी अपनी जगह पर सभी की महिमा है, कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, अपनी अपनी जगह पर सबकी महिमा है, पर नाना प्रकार के अर्थ किए जा रहे हैं। बोले ये ब्राह्मण हैं, इनको प्रणाम मत करो। कभी शीश को प्रणाम करते हैं? प्रणाम तो पैर को करते हैं, और शीश पैर पे झुकता है। समाज का कल्याण सोचते हैं, शीश पैर को प्रणाम करता है, पर पैर के जो देवता हैं उनका क्या नाम है? भगवान श्री हरि। हमारे आंख के देवता, कान के, हाथ के, पैर के, प्रत्येक अंग प्रत्यंग के अलग अलग देवता हैं, ऐसे ही हाथ पैर के देवता भगवान श्री हरि हैं, इसलिए भगवान को प्रणाम किया जाता है। जब कोई झुकता है उसका जो भार है उसको सामान्य आदमी सहन नहीं कर सकता, वो परमात्मा ही सहन कर सकते हैं, इसलिए जब तक लोग पैरों में प्रणाम करते रहे तब तक घुटनों में दर्द नहीं होता था, और जब से घुटनों में प्रणाम करना शुरू कर दिया तब से जिसको देखो वो यही कहता है मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। महाराज वसुदेव जी का बायां अंग फड़कने लगा और उन्होंने कहा, नंद तुम जल्दी से गोकुल के लिए प्रस्थान करो, मेरे मन में ऐसा लगता है कि गोकुल में कुछ अमंगल होने वाला है। नंद बाबा उधर से चले, इससे पूर्व जो कल हमने आपको बताया था कि योग माया जब आकाशवाणी करती हुई चली गई तो कंस ने आपत्कालीन मीटिंग बुलवाई थी, उस आपत्कालीन मीटिंग में यह निर्धारित किया गया कि आज कल के जितने भी जाए बच्चे गोकुल के अंदर हैं उन सबको समाप्त कर दो, और ड्यूटी लगाई गई पूतना की। सुखदेव जी कहते राजन, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश्चकार निघनंती पुरग्राम बजा दिशो। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना बाल घातनी, नाम बुरो या को पूतना, काम बुरो खाए पूत, बेस बुरो वति राक्षसी, कर्म बुरो छल दू। पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, खुद तो पवित्र नहीं है और जो पवित्र माताएं हैं उनको भी अपवित्र करने के लिए चल पड़ी। पूत माने बेटा, ना माने नहीं, खुद तो इसके कोई संतान नहीं है
परंतु जो पुत्रवान माताएं हैं उनको भी निपुती बनाने के लिए चल पड़ी। और महाराज इसने वेश धारण किया, छल के द्वारा, माया के द्वारा, और माया का जो बनावटी वेश होता है वो एक बार अच्छे अच्छे को आश्चर्य में डाल देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी धरा पर उतर आई हो। चल रही थी, क्योंकि एड्रेस तो योग माया ने बताया नहीं था कि वो देवकी का आठवां लाल कहां पर है, पर भगवान ने सोचा कि कहीं मेरे ब्रजवासी बालकों का मंगल कर ले तो इतिहास में लिख जाएगा एक पन्ने में कि जब भगवान गोकुल आए थे, जब जन्म हुआ था तो इतने बच्चे मारे गए थे, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए भगवान ने ऐसी माया करी कि वो सीधे नंद महल की ओर पहुंच गई। महाराज यशोदा बाल कृष्णाल को गोदी में लेकर के खिला रही थी। जैसे नंद महल में पुतना का प्रवेश होता है गोपी वेश में, यशोदा ने सोचा कोई गोपी आई है। बाल कृष्णाल को पालने में पोढ़ा दिया और पालने में पोढ़ा करके अतिथि के आतिथ्य की व्यवस्था करने के लिए अंदर चली गई। भगवान ने मन ही मन कहा, अरे मैया तू आतिथ्य के आतिथ्य की व्यवस्था कर ले और मैं तेरे आतिथ्य की पुण्यतिथि की व्यवस्था कर देता हूं। जैसे यशोदा अंदर जाती है और पूतना बाल कृष्णाल को उठा लेती है, जैसे पूतना बाल कृष्णाल को उठाती है भगवान श्याम सुंदर सुखदेव जी कहते, राजन चरा चरात्मा समलीते क्षण, चराचर जिनकी आत्मा है वो भगवान श्याम सुंदर ने आंख बंद कर ली। इस पर श्रीमद् भागवत के टीकाकारों ने अनेक भाव दिए हैं, क्यों बंद कर ली? भगवान ने आंख इसलिए बंद किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंख से इसकी आंख लग जाए। प्रीतिर नयन योग्यता, प्रेम की योग्यता इन आंखों में है, कान में नहीं है, हाथ में नहीं है, मुख में नहीं है। प्रीतिर नयन योग्यता, प्रेम की योग्यता इन आंखों में है। द्रग से और दीवान नहीं, मन से नहीं महीप, अरे द्रग दीवान जगिया धरे मन ते ही हाथ बिकार। भगवान ने सोचा कहीं मेरी आंख से आंख लग गई तो ये भी दीवानी बन के नाचने लगेगी, परंतु ये मुझे विष पिलाने के लिए आई है, मुझे इसका विष पीना है, बदले में मां की गति प्रदान करनी है, और कहीं प्रेम हो गया तो प्रेमी का वध करना दोष है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। दूसरा भाव, भगवान ने आंख इसलिए बंद की, आंख बंद करके महादेव का ध्यान किया, हे नाथ विष पीने का आपका पुराना अभ्यास है, इसलिए ऐसा कीजिए ना, आप विष विष तो आप ग्रहण करो और दूध दूध मेरे लिए छोड़ दो। तीसरा भाव, भगवान ने आंख इसलिए बंद किया, भगवान ने आंख बंद करके ध्यान से देखना चाहा कि ये तो कपट वेश में आ गई और निर्मल मन जन सो मोही पावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट चल चित्र न भावा, मोही कपट चल का। मुझे तो निर्मल मन पाना पाता है, कपट तो मुझे प्यारा, कपटी मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि डरे कुटिल नप प्रभु ही निघारी, जो कपटी होगा वो भगवान के सामने नहीं आ सकता। पर ये कपट वेश धारण करके भगवान कहते मेरे सामने आ कैसे गई, इसका कौन सा ऐसा सत्कर्म है?
जैसे भगवान ने आंख बंद करी तो इसका बायोडेटा समझ में आ गया, ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला। जब बामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में गए तो बामन भगवान को देखकर इसके मन में वात्सल्य भाव प्रकट हो गया, काश ये छोरा मेरा होता, गोदी में लेकर इसे दूध पिलाती, कितना अच्छा लगता। थोड़ी देर बाद जब बामन से विराट बने और पिता की सारी संपत्ति को नाप लिया और राजा बलि को जब बेटी के सामने बाप को बांध लिया, तो संसार की कोई ऐसी बेटी नहीं है जो बाप को कष्ट में देख करके उसके अंदर प्रतिक्रिया ना हो। बेटा हो सकता है, निकम्मा हो सकता है, साइड में खड़ा हो जाए, कुछ भी ना बोले, पर बेटी से सहन नहीं होता। उसने जैसे देखा कि मेरे पिता की सारी संपत्ति ले ली, सब कुछ छीन लिया, उसको रोष आया और क्रोध में कहा, इसको दूध नहीं, इसको तो मैं विष पिलाती। विष भगवान ने कहा, एव मस्तु, मैया मैं तेरे विष भी पीऊंगा और मैं तेरा दूध भी पीऊंगा। आज वही रत्नमाला पूतना बन करके आ गई। आनंद रामायण में कथा मिलती है कि जो मंथरा कैकेयी की दासी थी वो किसी कल्प में पूतना के रूप में आई। अगला भाव, भगवान ने आंख इसलिए बंद किया कि देखो तो द्वापर की लीला में, द्वापर की ऐसी विलक्षण लीला है कि मुझे मां की गति प्रदान करना है और मां को अपने हाथों से मारना पड़ेगा। इस संकोच में भगवान ने आंख बंद कर ली। अगला भाव, भगवान ने आंख इसलिए बंद की, आंख बंद करके भगवान श्याम सुंदर ने बाल स्वरूप प्रकट किया। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो देखते आंख बंद कर लेता है, यद्यपि है सारे संसार के पिता पर बालक बन करके आए हैं तो जस काचिए तस चाहिए ना चाहिए, अपने रोल के अनुसार रोल पूरा करते हैं। और पूतना भगवान श्याम सुंदर को लेकर के चल पड़ी सगाढ़क्कराभ्याम। भगवान ने जोर से पूतना को पकड़ा, विष पिया, दूध पिया, प्राणम रोष समन पिबत। जब प्राण पीने लगे तो पूतना जोर के साथ चिल्लाने लगी, समुंच मुंचालमति प्रभाषणी निस्पीड माना खिल जीव वर्मणि ब्रिवेत नेत्रे चरण भुजौ मुहु प्रसीन गात्रा क्षिपति दुरोदा। सा मुंच मुंचालो, मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा, दुनिया के सारे काम मुझे आते हैं पर छोड़ना नहीं आता। अंगीकृताम सुकृतिनाम परिपालयन्ति, भगवान जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं, ये भगवान की विशेषता है। ये तो संसार है, कब पकड़े कब छोड़ दे कोई भरोसा ना है, पर भगवान जिसे एक बार पकड़ लेता है उसे कभी नहीं छोड़ता। आप अयोध्या गए होंगे तो कनक भवन में जब भगवान कनक बिहारी सरकार का शयन होता है, बड़ा अद्भुत पद गायन करते हैं, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, 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 सिया के जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया।
जगत सैया मोरी छोड़ो ना भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो ना भैया, भगवत सैया मोरी छोड़ो ना भैया, भगवत सैया मोरी छोड़ो ना रस्सी में सांप की भ्रांति, ये न्याय है। यदि हाथ भी लग जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। रस्सी रखी है उसमें लगे सांप है, सांप है, हाथ भी लग जाएगा तो नुकसान नहीं होगा, पर पूतना को सांप में रस्सी की भ्रांति होगा। सांप में सांप बैठा हो और हमें लगे ये रस्सी है, हाथ लगाएंगे तो फिर जवाब देने लायक नहीं बचेंगे। ऐसा ही हुआ हमारा।